अयोध्या में विवादित जमीन छोड़ दो, नहीं तो सीमा पार भेज देंगे। विवादित ढांचे को मस्जिद बताना अन्याय है। और ऐसी ही कई धमकियां जो इकबाल अंसारी को मिली हैं, पूरे 8 पन्नों की चिट्ठी भेजी गई। बकायदा इस चिट्ठी को भेजने वाले ने अपना नाम पता लिखा है और मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे इकबाल अंसारी को धमकाया है। धमकी भरी चिट्ठी भेजने वाले ने अपना नाम बताया है सूर्य प्रकाश सिंह, जो खुद को श्री राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन कार सेवा वाहिनी नामक संगठन का सदस्य और गौरक्षा प्रमुख विश्व हिंदू परिषद बता रहा है। इकबाल अंसारी को चिट्ठी में धमकी दी गई है कि 1 नवंबर तक सभी विवादित स्थानों को मुक्त कर दिया जाए, नहीं तो सीमा पार भेज देंगे। और इस पत्र के माध्यम से हमको धमकी दी जा रही है, और ऐसे पत्र जो है कई बार आए, हमने कोई एक्शन नहीं दिखाया और पत्र को फाड़ दिया, और अपने यहाँ डीएम और जो है एसपी से और एसएसपी से भी जो है इस पत्र को हम दिखाएंगे कि हमको जो है हमारे वालिद साहब मुद्दई थे, अब हम मुद्दई हैं, तो हमको पत्र के माध्यम से धमकी दी जा रही है, हमें जान का खतरा। इकबाल अंसारी के मुताबिक इससे पहले भी उन्हें 3 से 4 बार धमकियां मिल चुकी हैं। अब इस नई धमकी के बाद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने इकबाल अंसारी को पत्र भेजने की बात कबूल ली है।